हिंदू धर्म के पवित्रतम ग्रंथ वेदों में चौथा और अंतिम वेद अथर्ववेद है। ऐसी मान्यता है कि ईश्वर ने सबसे पहले अथर्ववेद का ज्ञान महर्षि अंगिरा को दिया। उसके बाद महर्षि अंगिरा ने अथर्ववेद का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। अथर्ववेद की 9 शाखाएं हैं। अथर्ववेद में लगभग 6000 ऋचाएं हैं। अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद है। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान पर विस्तृत विवरण मिलता है। इस कारण इसको ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद में भूगोल, खगोल, चिकित्सा विज्ञान, रोगों के उपचार, शल्य चिकित्सा, राजनीति, अर्थशास्त्र और तंत्र मंत्र का व्यापक उल्लेख मिलता है। चिकित्सा विज्ञान में आयुर्वेद की दृष्टि से अथर्ववेद का विशेष महत्व है। आयुर्वेद की विभिन्न उपचार पद्धतियों, दवाइयों व रोगों के प्रकार का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद से ही आयुर्वेद को महत्व प्राप्त हुआ। अथर्ववेद में गृहस्थ जीवन के नियमों, दायित्वों का उत्तम विवेचन मिलता है। परिवार के सदस्यों के बीच व्यवहार और दायित्व कैसा होना चाहिए, इसकी चर्चा अथर्ववेद में मिलती है। अथर्ववेद में बताया गया है कि जो मनुष्य ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। कुल मिलाकर अथर्ववेद में हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलापों और नियमों को सुंदर तरीके से वर्णित किया गया है।